इंडिया 4 न्यूज़, इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुझानिया के निर्देश में बामोरा पुलिस ने 10 घंटे में गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बामोरा थाना क्षेत्र में भुजरिया मेले में गई एक नाबालिग बच्ची का कुछ लोगों ने जंगल में गैंग रेप करने के बाद नाबालिग को वहीं छोड़कर भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हंसराज सिंह एवं एसडीओपी अरविंद ठाकुर के निर्देश में टीम बनाकर अलग अलग जगह रवाना की गई। आज सुबह सुबह पुलिस थाना बामोर को सूचना मिली थी जिसमें कि बताया गया था कि एक 13 वर्षीय लड़की जो कि 4 तारीख से अपने घर से गायब है, 4 तारीख यानी कि जो भुजरिया का मेला जो कार्यक्रम था त्योहार था उसके बाद से गायब है। उसको 5 लड़कों ने जो कि छुटल्ला, बड़ल्ला और रुंदवा, तीनों पिता धनीराम कुशवाहा, धर्मवीर पिता रामज्ञान कुशवाहा, दिलीप पिता परशुराम कुशवाहा, इन दिनों के द्वारा उसके साथ डांग में ले जाकर बारी बारी से गलत काम किया गया और उसको वहीं पर उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। फिर ये जैसे तैसे बच्ची, नाबालिग बच्ची अपने घर पहुंची, घर पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिवार वालों को बताया तो उसको परिवार वाले उसको आज सुबह लेके पुलिस थाना बामोर पहुंचे जहाँ पे उसके साथ जो गलत काम हुआ उसके संबंध में FIR रजिस्टर की गई। FIR रजिस्टर करते ही तुरंत ही जो बामोर पुलिस है SDP बामोर और रजिस्ट्रर साहब के निर्देशन में एक्टिव हो गए और उन्होंने जल्द तुरंत ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है और जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि इसको अंतिम निर्णय तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए और साक्षी निर्णय तक इसको पहुँचाया जाए। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।